दिल्ली में पहले तो तीन ही पार्टियां थी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। इस बार और भी कई सारी पार्टियां आ गई, बीजेपी, कांग्रेस, एलजेपी, आरजेडी, जेडीयू, पूरे देश भर से सारी पार्टियां इकट्ठी करके ले आए और ये सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका एक ही नारा है, केजरीवाल हटाओ। इनका एक ही मकसद है, केजरीवाल हटाओ। अब ये कह रहे हैं, आज खट्टर साहब आए हुए थे हरियाणा से, खट्टर साहब चुनाव प्रचार करने आए थे, उनसे अपने स्कूल अस्पताल तो संभलते नहीं है, उनसे अपनी बिजली पानी तो संभलती नहीं है। दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आए हैं, वो जहां गए वहां की जनता ने उनसे पूछा खट्टर साहब से, खट्टर साहब आपके यहां बिजली कितने घंटे आती है? खट्टर साहब बोले 5 घंटे। बोले जी यहां तो हमारा केजरीवाल है, 24 घंटे बिजली आती है यहां पे। फिर जनता ने उनसे पूछा, कल विजय रूपानी आए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, बताओ ये सारे इकट्ठे हो गए, अमित शाह, मनोज तिवारी, विजय रूपानी, मनोहर लाल खट्टर, परसों बता रहे योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, एक आदमी के पीछे पड़े हैं ये सारे जने, एक आदमी के पीछे अमित शाह, इतने बड़े बड़े धुरंधर आ रहे हैं सारे के सारे, किस लिए आ रहे हैं? आपके बेटे को हराने के लिए आ रहे हैं, आपको हराने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली का विकास रोकने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली की जनता को हराने के लिए आ रहे हैं। कल विजय रूपानी गए एक जगह, जनता ने पूछा जी गुजरात में बिजली क्या रेट है? बोले 10 रुपए यूनिट। दिल्ली की जनता बोली यहां तो हमारा केजरीवाल है, बिजली फ्री है यहां तो जनता ने इनको कहा जी पहले जाके अपना गुजरात संभालो, पहले जाके अपना हरियाणा संभालो, दिल्ली की चिंता छोड़ दो, दिल्ली वाले खुश हैं बहुत। ये सारे इकट्ठे हो गए, इनका एक ही मकसद है, मैं कहता हूं मैं स्कूल ठीक करूंगा, ये सारे जने मिलके कहते हैं केजरीवाल को हटाओ। मैं कहता हूं मैं अस्पताल ठीक करूंगा, ये सारे जने मिलके कहते हैं केजरीवाल को हटाओ। दोस्तों इस बार 8 फरवरी को जब आप चुनाव दिन बटन दबाने के लिए जाओगे तो इनको बता देना कि केजरीवाल दिल्ली वालों का बेटा है और दिल्ली वाले कभी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों कल मेरे को बहुत दुख हुआ, एक बात आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो, मेरा फर्ज है आप लोगों के साथ अपने दिल की बात रखना। कल बीजेपी वाले नेताओं ने कहा केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों पिछले 5 साल में दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने अपना बच्चा समझ के उसके लिए स्कूल का इंतजाम कराया, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कराया मैंने, और बीजेपी वाले मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। पिछले 5 साल में दिल्ली के अंदर कोई भी बीमार हुआ उसके इलाज का इंतजाम किया है मैंने, और बीजेपी वाले मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। दोस्तों पिछले 5 साल में मैंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा है, तीर्थ यात्रा पे भेजना कौन सा गुनाह है? क्या मैं आतंकवादी हूं? पिछले 5 साल में अपने दिल्ली का कोई भी सिपाही, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो चाहे वो बॉर्डर पे हो, अगर कोई भी सिपाही शहीद होता है उसके बाद उसके परिवार का ख्याल रखने का मैंने इंतजाम किया है, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मैंने दी है, और बीजेपी वाले मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। मैंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए, तन मन धन सब कुछ मैंने अपने देश के लिए न्योछावर किया हुआ है, कदम कदम पे जब जरूरत पड़ी मैंने अपना सब कुछ देश के लिए न्योछावर किया,
इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था। इनकम टैक्स की कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। डायबिटीज का मरीज हूं, दिन में 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। डायबिटीज का मरीज अगर 3-4 घंटे खाना नहीं खाए और इंसुलिन ले रहा हो, उसकी मौत हो सकती है। मैंने 2 बार अपने देश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 15-15 दिन का अनशन किया था, 15 दिन का अनशन। डायबिटीज का मरीज होते हुए सारे डॉक्टरों ने कहा था कि केजरीवाल जिंदा नहीं बचेगा, सारे डॉक्टरों ने कहा था 24 घंटे से ज्यादा केजरीवाल जिंदा नहीं बचेगा। यह ऊपर वाले का करिश्मा है कि आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। अपनी जान दांव पे लगाई थी मैंने अपने देश के लिए, अपने देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, और ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। कल शाम को जब मैं अपने घर गया, मैं अपने मां बाप के साथ रहता हूं, मेरे मां बाप मेरा इंतजार कर रहे थे कल शाम को। जब मैं अपने घर पहुंचा, मेरे मां बाप बहुत दुखी बैठे थे, बोले जी सवेर से टीवी पे देख रहे हैं, ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। मेरे मां बाप ने कहा कि हमारा बेटा कट्टर देशभक्त है, वो आतंकवादी नहीं हो सकता। आज मैं अपने दिल्ली वालों के ऊपर यह निर्णय छोड़ता हूं कि दिल्ली वाले तय कर लें कि आप मेरे को अपना बेटा मानते हो कि आतंकवादी मानते हो। दोस्तों, राजनीति के अंदर भी मर्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, ये सारी पार्टियां अपने देश की है, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है, ये विपक्ष है, ये विरोधी है। उनकी एक आइडियोलॉजी है, हमारी दूसरी आइडियोलॉजी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गाली गलौज की राजनीति करेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे को गालियां देंगे। इस किस्म की राजनीति ठीक नहीं है दोस्तों। 8 फरवरी को जब वोट डालने के लिए जाओगे, जब आप बटन दबाओगे, अगर आप मेरे को अपना बेटा समझते हो तो झाड़ू पे वोट दे देना, और अगर आप मेरे को आतंकवादी समझते हो तो कमल के ऊपर वोट दे देना दोस्तों। भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब।